में घूम के पूरे बिहार के कोने कोने में घूम के इन्होंने आज महाराणा प्रताप के इस स्मृति समारोह का आयोजन किया, वो बधाई के पात्र है। बधाई के पात्र इसलिए है कि उस महान पुरुष का, उस महान पुरुष की स्मृति समारोह में इतना मेहनत करके आप सबों को आमंत्रित किया, जो जाने जाते हैं शूरवीरता के लिए, जो जाने जाते हैं देशभक्ति के लिए, जो जाने जाते हैं एक सफल और साहसिक योद्धा के लिए, और मातृभूमि के रक्षक के रूप में जिनकी पहचान इतिहास में अंकित है, उस व्यक्तित्व के लिए और उनकी स्मृति के लिए संजय जी ने घूम घूम कर पूरे बिहार में अलग जगाने का काम किया। साथियों, महाराणा प्रताप जी को मैंने बताया आपको, अद्भुत शक्ति, अद्भुत क्षमता के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप जी एक बहुत छोटी सी सेना के बल पर उन्होंने 1567 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो पूरे अकबर मुगल साम्राज्य की सेना को खदेड़ देने का काम किया और अकबर की सेना को मजबूर किया कि वो पीछे हटे और मैदान से बाहर जाने का काम किया। तो इसलिए उनकी जो साहस है, उनका जो अद्भुत क्षमता है और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप के नाम से ही जाना जाता है। बाद में महाराणा प्रताप जी के डर से, उनका भय इतना बड़ा था कि महाराणा प्रताप जी के भय से अकबर ने पूरी अपनी राजधानी को आगरा से ले जाके लाहौर में शिफ्ट करने का काम किया, और जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे आगरा की तरफ मुंह देखने का काम उन्होंने नहीं किया। जब महाराणा प्रताप स्वर्गवासी हुए, जब महाराणा प्रताप ने स्वर्गवासी हुए, जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ, तब जाकर अकबर ने फिर से लाहौर से अपनी राजधानी आगरा में लाके बसाने का काम किया। तो महाराणा प्रताप जी जाने जाते थे अद्भुत क्षमता के थे, और आज उसी अद्भुत क्षमता का परिचय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। बिहार में जब 2005 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, उस समय एक चुनौती था कि बिहार जिस चौराहे पर खड़ा था, बिहार जहां जिस दौराहे पर खड़ा था, वहां से बिहार को कैसे आगे ले जाने का काम करना है, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। बिहार का खजाना खाली था, इसके पहले जो शासक थे उन्होंने खजाना को कहां पहुंचा दिया ये तो बात वही जाने, लेकिन बिहार का खजाना खाली था। बिहार के लोग ये सोचते थे और बिहार के लोग उस समय चर्चा करते थे कि बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हो गया तो बिहार में बचा है कुछ नहीं। बिहार के लोगों के मन में निराशा थी, बिहार के लोग निराश थे इस बात के लिए कि अब बिहार का क्या होगा। बिहार में चर्चा होती थी कि बिहार का बंटवारा हो गया, सारा जो धन संपत्ति है वो झारखंड में चला गया, जितना खदान है सब झारखंड में चला गया, अब क्या होगा बिहार का, लोग चर्चा करते थे। मजाक में लोग कहते थे बिहार में अब बचा है आलू लालू और बालू। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस चुनौती का स्वीकार किया। नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अद्भुत शक्ति का और अद्भुत क्षमता का परिचय दिया, और आज बिहार में बिहार का परचम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लहरा रहा है। बिहार कहलाना, आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है, अपमान का नहीं। इसलिए कहीं भी अगर बिहार के लोग अगर अपने को कहते हैं कि हम बिहारी हैं, सम्मान की दृष्टि से लोग उनको देखते हैं। तो इसलिए, और आज कल जो बिहार में जल जीवन हरियाली पर जो विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ मानव श्रृंखला का, ये नीतीश कुमार जी के अद्भुत क्षमता का कमाल है। इसके पहले भी मानव श्रृंखला इन्होंने बनाया नशाबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में, उसका रिकॉर्ड तोड़ा बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध जो मानव श्रृंखला बना उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, और कल के मानव श्रृंखला ने उन दोनों रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया बिहार में। और बिहार में अभी जो पर्यावरण पर, जलवायु परिवर्तन पर जो आज बिहार में जागृति लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम बढ़ाया है, ये आने वाले समय में पूरे दुनिया में यह चर्चित होगा और पूरा दुनिया इसको मानने के लिए मजबूत होगा। तो आज इस अवसर पर पुनः एक बार
हम भाई संजय जी को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।